Hi all of you. तो आज हम ये क्वेश्चन करेंगे सियरमा से. क्वेश्चन इज टू स्मॉल बॉल्स ईच ऑफ मास m आर कनेक्टेड बाय लाइट ट्रेजेड रॉड लेंथ l. द सिस्टम इज सस्पेंडेड फ्रॉम इट्स सेंटर बाय थिन वायर ऑफ टॉर्सनल कांस्टेंट k. तो वायर का आपको कांस्टेंट दे रखा है टॉर्सनल k. द रॉड इज रोटेटेड अबाउट द वायर थ्रू एंगल थीटा नॉट एंड रिलीज्ड. फाइंड द टेंशन इन द रॉड एज सिस्टम पासेस थ्रू द मीन पोजीशन. तो इसको ऐसा कुछ हुआ कि इस पूरे को थोड़ा सा हमने घुमा दिया, जुड़ा हुआ यहाँ से थीटा एंगल से इसको टर्न कर दिया. तो जब ये वापस, इसको हमने ऐसे ट्विस्ट किया, तो जब ये वापस आएगा अपनी जगह पे, अपनी पोजीशन पे, जब ऐसे आ जाएगा तो हमको यहाँ पे टेंशन निकालनी कितनी होगी इसमें. ठीक है, तो पहले तो इसमें देखते हैं कि हम कैसे अप्लाई करेंगे. तो जब इसको हम इस इनिशियल पोजिशन से यहाँ शिफ्ट करेंगे, इस जगह पे, इस पॉइंट पे ले जाएंगे, इस पोजिशन में ए बोल देता हूँ, तो यहाँ पे इसके पास कुछ पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी. अच्छा, जो टॉर्सनल का टॉर्क होता है, टॉर्क जो अप्लाई करता है वो, अगर हम किसी चीज को ट्विस्ट करते हैं तो जैसे वायर को ट्विस्ट किया, टॉर्क होता है के थीटा. सिमिलरली इसकी जो एनर्जी होती है वो होती है हाफ के थीटा स्क्वायर, एनर्जी स्टोर्ड इन द वायर. ठीक है, तो अगर मैं एनर्जी कंजर्व करूं, एनर्जी कंजर्व ई ए इक्वल टू ई बी. बी ये वाला पॉइंट है, जब वापस अपनी मीन पोजिशन पर आ जाएगा वो, ये मीन पोजिशन है ना, तो ए पे जो एनर्जी होगी, ए पे खाली पोटेंशियल एनर्जी होगी, वो भी होगी हाफ के थीटा नॉट स्क्वायर. कोई काइनेटिक नहीं होगी बिकॉज यहाँ पे इसको रेस्ट से रिलीज किया हुआ है. जब बी पे आएगा वो पार्टिकल घूमता हुआ, ये घूम के पूरा बी पे आ चुका होगा, तो इसके पास थीटा सारा खत्म हो जाएगा, ये रस्सी भी वापस सेम हो जाएगी, सिर्फ काइनेटिक एनर्जी होगी, वो होगी हाफ आई ओमेगा स्क्वायर. अच्छा, अब आई निकाल सकते हैं, दो पॉइंट मासेज हैं, ये दोनों पॉइंट्स हैं, तो और सेंटर ये ओर घूम रहे हैं, तो आई होता है इनका एम आर स्क्वायर, तो एम L बाई टू का स्क्वायर, एक का इंटू टू कर देंगे, इंटू ओमेगा स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू हाफ के थीटा नॉट स्क्वायर. तो हाफ से आप कट गए, तो के थीटा नॉट स्क्वायर इक्वल टू एम एल स्क्वायर बाई टू ओमेगा स्क्वायर, है ना. तो यहां से निकल के आएगा एम ओमेगा स्क्वायर, एल बाई टू की वैल्यू आ जाएगी के थीटा नॉट स्क्वायर बाई एल. ठीक है, ये हमने ओमेगा निकालने में अलग तरह से. अब हम बात करते हैं कि टेंशन कितनी होगी. तो जब वापस ये इस पोजीशन में आ चुका होगा, तो टेंशन की बात करें तो एक तो इस पार्टिकल पे पीछे की तरफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रही होगी, एम ओमेगा स्क्वायर जितना इसका रेडियस है एल बाई टू, है ना. साथ में इस पार्टिकल पे नीचे की तरफ एक वेट भी लग रहा होगा, है ना. और इन दोनों चीजों को कैरी करने वाला टेंशन है, टेंशन नहीं वो सब एक्चुअली दोनों को कैरी कर रहा है. तो टेंशन भी आपके पास ऐसे ही लगेगा, वायर ऐसी नहीं होगी, कुछ ऐसी थोड़ी इंक्लाइन सी हो जाएगी, ऐसे मान सकते हैं आप, वायर इंक्लाइन हो जाएगी वर्टिकली, ताकि ये सेंट्रीफ्यूगल को और वेट को दोनों को बैलेंस कर पाए. तो अगर नेट फोर्स की बात करें तो जो नेट लग रही है उस पर, वो लग रही है नेट सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एम ओमेगा स्क्वायर एल बाई टू का होल स्क्वायर प्लस एम जी का होल स्क्वायर, बिकॉज ये दो फोर्सेज है, एम ओमेगा स्क्वायर एल बाई टू और ये एम जी, इनमें जो एंगल 90 डिग्री है ना, तो नेट निकाले बाय वेक्टर, इतना ही टेंशन प्रोड्यूस करा रहा होगा उसको. सो वी कैन राइट कि टी इक्वल टू होगा, दिस इज एक्चुअली इक्वल टू टी, तो टी इक्वल टू हो जाएगा, वैल्यू पुट कर लेते हैं इसकी, ये हम निकाल चुके हैं, इसलिए हम काम यहाँ ये टर्म निकाल लेते हैं, दिस इज इक्वल टू के स्क्वायर थीटा नॉट की पावर 4 अपॉन एल स्क्वायर प्लस एम जी का होल स्क्वायर. तो अगर हम बात करें तो ये यहाँ पे टेंशन हो जाएगी. तो दिस इज ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन. इस तरह की और वीडियोस के लिए मुझे फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, मेरे चैनल को शेयर करें. थैंक्स फॉर वॉचिंग.